दोस्तों, किसी ने कहा है कि समटाइम्स द वर्स्ट प्लेस यू कैन बी इज इन योर ओन हेड। ज्यादा सोचना एक उपद्रव से कहीं ज्यादा है। विज्ञान से पता चलता है कि बहुत ज्यादा सोचने से आपके सामान्य स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। क्या आप हमेशा अपनी पिछली गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? अपनी गलतियों, समस्याओं और कमियों पर ध्यान देने से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा सोचने से आप एक ऐसे दुष्चक्र में फंस सकते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। यह आपकी मानसिक शांति पर कहर बरपाता है और जैसे जैसे आप अपनी मानसिक शांति खोते हैं, आप जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। दोस्तों, कई लोग तो जरा जरा सी बात पर लंबा चौड़ा सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया लगे सोचने, किसी ने कमियां गिना दी लगे सोचने, किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो उसी बात के पीछे एकदम सिर घुसेड़ के सोचते रहेंगे। ऐसा क्यों कहा होगा? अब कुछ करना होगा, बदला लेना, साबित करके दिखाना और न जाने क्या क्या। किसी भी बात पर इतना बोझ स्वयं के ही मस्तिष्क पर, क्यों और क्या? ऐसे विचारों से, ऐसे ओवरथिंकिंग से क्या बचा जा सकता है? चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे शायद आपको इससे जुड़े जवाब मिल जाए। एक बार की बात है, श्रावस्ती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत सफल था लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था। वह अपने धन और संपत्ति को लेकर चिंतित था, वह अपने परिवार और भविष्य को लेकर चिंतित था और वह यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी चिंतित था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर में आए हैं। वह बुद्ध से मिलने गया और अपनी चिंता की समस्या के बारे में बताया। बुद्ध ने व्यापारी को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, चिंता एक जहर है जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खा रहा है। यदि तुम इससे मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। व्यापारी ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं भविष्य की चिंता किए बिना कैसे रह सकता हूँ? हर पल मेरे मन में अनगिनत विचार आते हैं। बुद्ध ने धीरे से कहा, मित्र, नदी बहती रहती है और उसमें अनगिनत बूंदें आती हैं और चली जाती हैं। यदि तुम किसी एक बूंद पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम चिंतित हो जाओगे, लेकिन यदि तुम नदी के प्रवाह को देखते हो तो तुम शांत हो जाओगे। लेकिन सोच दोतरफा है, हालांकि मस्तिष्क कई या लगभग निरंतर विचार सुझाव दे सकता है। यह अंततः हमें तय करना है कि हम उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं। व्यापारी को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने विचारों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था जो उसे परेशान कर रहा था। उन्होंने बुद्ध से पूछा, लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे रोक सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, मित्र, तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें आने और जाने दें, जैसे कि आप बादलों को आकाश में जाते हुए देखते हैं। उन पर ध्यान केंद्रित न करें और वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। हमारे विचार एक श्रृंखला की तरह होते हैं। एक आया कि उससे जुड़ा दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे करते करते विचारों का बोझ हमारे मस्तिष्क में जमकर हमारे स्वास्थ्य पर हमला करता रहता है। इसीलिए बस आते हुए विचारों को वहीं छोड़ देना है, खास करके वह विचार जो दुखदायी या भ्रमित करने वाले हों, उन्हें वहीं जाने दो। इससे उनकी श्रृंखला वहीं खंडित हो जाएगी। व्यापारी ने बुद्ध की सलाह का पालन करना शुरू किया। उन्होंने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे वर्तमान क्षण में जीना सीखा। दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें हमेशा वर्तमान क्षण के प्रति सचेत रहना चाहिए और जीवन के प्रति अधिक आशावादी बनना चाहिए, तथा यह एहसास करें कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। जो नियंत्रण से बाहर है उसे सोचकर हम हमारा मन का नियंत्रण खो देते हैं। इस आधुनिक जगत में अति विचार यानी ओवरथिंकिंग से बचने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अपना ध्यान भटकाएं, परेशान करने वाले विचारों से दूर रहने के लिए कोई शौक या व्यायाम अपनाएं, मन को शांत रखने के लिए ध्यान करें, ध्यान के स्वास्थ्य लाभों के बारे में और पढ़ें। अपने आप पर बहुत अधिक कठोर मत बनो। जब आप अकेले होते हो तो वह समय ज्यादा सोचने के लिए अवसर बन जाता है। ऐसे में आप अपने दोस्तों या किसी करीबी के साथ बातें कर सकते हैं जिससे ओवरथिंकिंग को कोई अवसर नहीं मिलेगा। या तो आप एक डायरी रखें और अपने विचार नोट करें, अपने आप को प्रकृति में सम्मिलित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां स्थित हैं, ताजी हवा आपके दिमाग को बहुत अच्छा कर सकती है। यदि आप प्रकृति के बीच जाने में सक्षम हैं तो और भी बेहतर। अध्ययनों से पता चलता है
अत्यधिक सोचने और नकारात्मक विचारों को कैसे रोकें, यह आपकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करने की इच्छा पर भी निर्भर करता है। आशा करते हैं जानकारी पर्याप्त हो। बुद्धम नमामी।